हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एग्जाम वाला। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने हिंदी के पार्ट के बारे में, जिसका ये है आपका दूसरा पार्ट। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समान हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पूरे हिंदी का ये एमसीक्यू होगा, सभी टॉपिक सभी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपके समीक्षा अधिकारी, दरोगा, पुलिस और लेखपाल में पूछे जा सकते हैं। तो उसी तरीके के प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है और ये सभी प्रश्न जो है आपके 2021 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी पूछा जाता है 2021 या 22 के लिए, तो आप इस क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि इस क्लास में आपको एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके माध्यम से आपको पूरे टॉपिक के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको अटेम्प्ट करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को, इस क्लास को जरूर देखिएगा। पहला पार्ट आ चुका है, पहले पार्ट को भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, विजिट कर जाइएगा, सर्च करिएगा सरकारी एग्जाम वाला, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस क्लास से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। सर्च करिएगा टेलीग्राम में सरकारी एग्जाम वाला, वहां पर आपको एक पेज मिलेगा, उसको ज्वाइन करिएगा। वहां पर सारे क्लासेस की लिंक, पीडीएफ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो उन उत्तर को लिखते रहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई जाती है उसको भी नोट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी क्लासेज आएंगी उनकी सूचना, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप डेली बेसिस पर अपने क्लास के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा की लिपि निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन आपके सामने चार, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो बताइए पहले प्रश्न का उत्तर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। याद रखिएगा, देवनागरी क्या है? एक लिपि है और ये एक आक्षरिक लिपि है। क्या बोला जाता है इसको? आक्षरिक। मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी जाएगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये कैसी लिपि है? एक आक्षरिक लिपि है, ठीक है। आक्षरिक क्या है? लिपि है, ठीक है। और इसके अलावा ये लिखी कैसी जाती है? तो ये बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, ठीक है। बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये कैसी लिपि है? ये आक्षरी लिपि है, देवनागरी, और ये हिंदी भाषा की लिपि है। हालांकि मूलतः बात करें तो हिंदी भाषा की कोई लिपि नहीं है, ये स्पेशली जो है आपका संस्कृत भाषा का लिपि है, लेकिन इसको एडॉप्ट कर लिया गया है, उसी में हूबहू लिखा जाने लगा है, इसलिए इसको देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की लिपि मानी जाती है। इसके अलावा आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है पंजाबी लिपि से, ठीक है। पंजाबी भाषा जो है, ठीक है, पंजाबी भाषा की जो लैंग्वेज होती है उसमें कौन सी लिपि होती है? तो उसके लिए भी आप जान लीजिए, गुरुमुखी लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है? तो यहां पर मैं बता देता हूं, गुरुमुखी लिपि, ठीक है, गुरुमुखी लिपि। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, रचनाकार और उसके रचयिता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रचना और रचयिता, या रचना और रचनाकार से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आपके लिए है कि हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आपको बताना है, तो याद कर लीजिए, यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दो चट्टाने। दो चट्टाने उनकी एक रचना है, इसके लिए 1968 में। अब देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको बहुत पहले मिला था, लेकिन क्वेश्चन आज भी पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, मतलब आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। तो 1968 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और कौन सी रचना थी? तो दो चट्टाने इसकी रचना है, तो ये है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह है क्या? तो ये काव्य संकलन है, काव्य कृति है, ठीक है, काव्य कृति, इसमें काव्य से रिलेटेड चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, मतलब पहला पुरस्कार किसको मिला था। तो आपको बताना है कि साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो यहां पर उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कब मिला था? 1913 में, यानी कि 1913 में इनको ये पुरस्कार, ये उपाधि, एक तरह से ये पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में। और किस रचना के लिए? तो उनकी एक कृति थी, एक रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि मूलतः जो है ये आपकी बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, बांग्ला भाषा में लिखी गई थी,
ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ये साहित्य के क्षेत्र में ये प्रथम नोबेल पुरस्कार जो पाए, तो ये भारतीय प्रथम थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये कौन से थे, तो ये प्रथम भारतीय भी थे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतना चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। सूरदास की रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कौन सी नहीं है, कौन सी है तो पूछे ही जाते हैं, उसके साथ साथ कौन सी नहीं है ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें से ऑप्शन जो है डी, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका जो है ये इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना है प्रेम वाटिका, ये रसखान की रचना है। किसकी है, रसखान की कृति है, रसखान की रचना है, ठीक है। और बाकी जितने भी आप देख रहे हैं, सूर सलावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, ये सभी के सभी सूरदास की रचना है। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं सूर सलावली और सूर सागर, क्योंकि सूर सूर है तो आप याद से कर सकते हैं। लेकिन साहित्य लहरी भी सूरदास की ही रचना है, और प्रेम वाटिका किसकी है, तो रसखान की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणवान का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या होगा। गुणवान का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, तो इसका उत्तर है गुणवती। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाता है। गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होता है, गुणवती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यायावर का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा। यायावर का विलोम निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, आपको पहचानना है, पहचान का सही उत्तर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्थिर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सभी प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करिए, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को, इस क्लास को देख रहे हैं, इससे आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए, गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपके सभी कमेंट्स को देखा जाता है, तो आप प्लीज रिप्लाई जरूर दिया करिए, ठीक है। स्थिर यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दे। अगला क्वेश्चन है, सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार है, आपको बताना है कौन सा अलंकार है। अलंकार को पहचानने की पूरी विधि मैंने बताई है, ठीक है। आप जाकर चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा, तो आपको बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें, एक सजना है, ठीक है, अर्थात सजना सवरना, यहां पर क्या मतलब है इसका, सजना सवरना यानी कि तैयार होना एक तरह से, ठीक है, मेकअप वगैरह करना, सजना सवरना। और दूसरा सजना का मतलब क्या होता है, हस्बैंड यानी कि पति, ठीक है। तो सजना सवरना है मुझे पति के लिए, तो ये यहां पर कौन सा अलंकार होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। यहां पर सी अलंकार, सी मतलब यमक अलंकार है, ठीक है, यमक अलंकार यहां पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नदियां हैं बड़ी अपार में कौन सा रस है, बताइए आगे नदियां हैं बड़ी अपार में कौन सा रस है। इसका उत्तर है वीर रस। आगे नदियां हैं बड़ी अपार, इसमें वीर रस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसमें कौन सा मतलब अर्थ है, इसका अर्थ क्या है इस मुहावरे का, तो बताइए जल्दी से। इसका उत्तर है बहुत थोड़ा, क्या होगा, बहुत थोड़ा, या फिर यूं कह लें कि जरूरत से कम मात्रा, मतलब जरूरत से भी कम, तो क्या हो जाएगा, बहुत थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होगा, आपको बताना है एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन आपके सामने चार, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु की पूर्ति कम या कम, मांग अधिक, ठीक है, किसी वस्तु की पूर्ति जो है कम है लेकिन मांग क्या है, अधिक है। अनार एक ही है लेकिन बीमार 100 लोग हैं, यानी कि जितने बीमार होते हैं उनको अनार खिलाया जाता है, फल खिलाया जाता है, तो एक ही अनार है और बीमार 100 है, इसका मतलब है किसी वस्तु की पूर्ति कम है, यानी उपलब्ध वस्तु कम है लेकिन मांग जो है ज्यादा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वर का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा। वर का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा, बहुत आसान है, इसका उत्तर है वधु, ठीक है। तो ये हो गया आपका वधु। आप देखते होंगे जब शादी का कैसेट बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से एक पार्ट में वर के पक्ष के लोगों के नाम रखते हैं और दूसरे पक्ष में वधु के। तो अगर आपने वो कैसेट देखा है तो आपको आराम से पता होगा विलोम शब्द, ठीक है। सामान्य जीवन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप अपने डेली दिनचर्या में चीजों को याद रखेंगे, देखेंगे गंभीरता से, ठीक है, तो वही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिनकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या होगा। दिनकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे अपने 6th, 7th, 8th में, तो वहां पर भी पढ़ाया गया है अलंकार वगैरह, पर्यायवाची वगैरह, ठीक है, डिटेल में नहीं लेकिन कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी गई है। पर्यायवाची विलोम तो आसानी है, वो तो पहले ही पढ़ाए गए हैं, तो वो सब आपको पता होगा, मेरे द्वारा भी पढ़ाए गए हैं। तो जल्दी से बताइए दिनकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या होगा। इसका उत्तर है सूर्य। आप याद कर लीजिएगा, भानुभास्कर, दिवाकर, ठीक है, दिनकर,
ठीक है, प्रभाकर, आदित्य, मार्तंड, ये क्या है? ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो दिनकर किसका पर्यायवाची है? ये सूर्य का पर्यायवाची है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, रंग में भंग इसका अर्थ क्या होगा? रंग में भंग का अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो सकता है आपको बताना है। इसका मतलब है कि किसी अच्छे काम को खराब कर देना, कोई अच्छा काम है, कोई अच्छा काम हो रहा है, उस काम में उस काम को खराब कर देना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में आपको रखना है कि किसी अच्छे काम को क्या कर देना है, खराब कर देना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तार का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा आपको बताना है, विस्तार का विलोम क्या हो सकता है? इसका उत्तर है संक्षेप। क्या हो जाएगा? संक्षेप। विस्तार में और संक्षेप में, विस्तार मतलब पूरा डिटेल में, जैसे आप हिंदी में देखते होंगे गद्यांश लिखा रहता होगा, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो गद्यांश लिखा है बहुत सारा, ठीक है। मान लीजिए 2000 शब्दों में गद्यांश लिखा है और आपको क्या करना है कि 500 शब्दों में संक्षेप में लिखना है, ठीक है। तो उसी गद्यांश को आपको क्या करना है, 500 शब्दों में संक्षेप में छोटा करके लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, विस्तार था, यहां पर क्या हो गया, संक्षेप हो गया, तो अपोजिट हो गया ना, विस्तार का क्या हो गया, संक्षेप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकाधिकार का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? आप सभी विद्यार्थी बताएं एकाधिकार का विलोम क्या होगा। देखिए एक का अधिकार, अधिकार तो है लेकिन किसका है, एक का अधिकार है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक का उल्टा क्या होगा, एक का होगा अनेक, आपको पता है ना एक का क्या होता है, अनेक। और एक का अधिकार का मतलब क्या है, अनेक का अधिकार, यानी अनेकाधिकार। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर अलंकार पहचानना है। ये तेरा शिशु जग में है उदास, आपको बताना है कि ये तेरा शिशु जग में है उदास, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए मैं बता दूं, ये जो आपको ये वाक्य दिख रहा है ना, ये पंक्ति जो है एक महादेवी प्रसाद वर्मा की रचना है जिसको बोलते हैं निर्जा। उस रचना का क्या नाम है, निर्जा। उस रचना से ये वाक्य लिया गया है, ये पंक्ति ली गई है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, तो पहले मैं बता दूं इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें रूपक अलंकार है। अगर आप ध्यान से देखें इस पंक्ति में जग रूपी एक शिशु का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये तेरा शिशु जग है उदास, शिशु रूपी जग की बात की जा रही है, जग को क्या कहा जा रहा है, शिशु रूप में, ठीक है। तो ये तेरा जो जग है, जो शिशु रूप में है, बालक रूप में है, वो उदास है। इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, मतलब तुलना की जा रही है ना। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है इसलिए मैं यहां पर डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर चूंकि मैं आपको बोला हूं कि व्याख्या बताऊंगा, तो उससे रिलेटेड व्याख्या इतनी है कि यहां पर जग रूपी शिशु की वर्णन की गई है, ठीक है। जग को क्या माना गया, शिशु माना गया, तो वहां पर एक रूपक अलंकार देखने को हमें मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, साकेत किसकी कृति है, किसकी रचना है आपको बताना है, साकेत जो है वो किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का ये सर्वश्रेष्ठ क्या है, एक काव्य है, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। साकेत का मतलब क्या है, यहां पर अयोध्या की बात की जा रही है, तो अयोध्या को केंद्र में मानकर, ठीक है, अयोध्या को केंद्र में मानकर इस रचना को लिखा गया है। और इस रचना में खास करके लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला, ठीक है, यह भी जान लीजिए, लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला, उनको नायिका बना करके राम की कथा बताई गई है इसमें, ठीक है। तो यहाँ क्या है, राम की कथा है, लेकिन इसमें जो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, उनको नायिका बना करके बताया गया, और इसके केंद्र में अयोध्या की घटनाएं हैं, तो वही है, जाहिर सी बात है अयोध्या मतलब राम से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। और काव्य है, तो जाहिर सी बात है कविता के रूप में, काव्य के रूप में इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएं, ठीक है। और मैंने आपको जैसा कि पहले कहा कि लाइक करिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे क्या होगा कि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन, सभी क्लासेस की सूचना आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके, भारत भारती के रचनाकार इसमें कौन से हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त, आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो रचना है, ठीक है, भारत भारती, अब चूंकि आपको यहाँ पे नाम पे पता चल रहा है कि भारत और भारती की बात की जा रही है, यानी भारत और भारतीयता की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसमें जितनी भी राष्ट्रीय भावनाएं हैं, ठीक है, एक देश प्रेम के लिए, एक देश के लिए जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं, उससे लिप्त है ये रचना, उसमें इसी के बारे में चर्चा की गई है। ये जो रचना है इसका प्रकाशन बहुत पहले किया गया था, 1912 में, यानी कि 1912 में इसको प्रकाशित किया गया था, और ये तीन पार्ट में है, ठीक है, तीन खंड में है, तीन पार्ट में, यानी कि तीन खंड में है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यहां पर अशुद्धि पहचानना है,
मतलब कहां पर अशुद्धि है आपको बताना है। ध्यान से कथन को पढ़िएगा, कहीं ना कहीं गलती आपको देखने को मिल जाएगी। क्या लिखा है, तुलसीदास ने अवधि भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। अब आपको पहचानना है गलती कहां पर हुई है, ठीक है, जल्दी से बताइए। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो अनेकों जो लिखा है ये गलत है, ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला सी जो है ये गलत है। देखिए अनेकों नहीं होगा, अनेक जो होता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि अनेक लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन यानी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अनेक का मतलब बहुत। तो जब अनेक लगा दिया जाए तो अनेकों नहीं लगाया जाता, अनेक आप ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए अनेकों के स्थान पर अगर अनेक होता, मतलब यहां पर सिर्फ अनेक होता, तो बहुत सही सेंटेंस था कि तुलसीदास ने अवधि भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे हैं, तो आपका यहां पर सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है। क्योंकि हिंदी है, साहित्य पढ़ रहे हैं, एक तरह से साहित्य के बारे में भी इंफॉर्मेशन इस हिंदी में, हिंदी ग्रामर में, तो यहां पर भारतीय भाषाओं में ही शामिल है आपका हिंदी, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह अनुसूची कौन सी है संविधान के अंतर्गत, तो ये होगी आपकी आठवीं अनुसूची यानी कि अष्टम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं कमेंट करके बताइए, पहले क्लास में मैंने बताया, फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि इस संविधान के आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। आप सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए जितने लोग भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सन्मार्ग में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि सन्मार्ग में कौन सी संधि है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें कैसे लिखा जाएगा, तो सन्मार्ग को लिखा जाता है सत प्लस मार्ग, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका भी नियम है, मैंने आपको बताया संधि विच्छेद के पूरे नियम बताए हैं, डिटेल में बताए हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा, दो वीडियो में लगभग कंप्लीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है कमेंट करके बताइए। ऑप्शन चार है आपके सामने, जल्दी से देखिए और उत्तर बताइए, पीताम्बर में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। इसका अगर संधि विच्छेद आप देखें तो पीताम्बर का मतलब है पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, इसका मतलब क्या है, किसकी बात की जा रही है, श्री कृष्ण की बात की जा रही है, ठीक है, श्री कृष्ण की बात की जा रही है कि पीत है अंबर जिसका, इसका मतलब पीताम्बर। और कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वायु। वायु जो है ये पुल्लिंग नहीं है, ठीक है, वायु क्या है, ये पुल्लिंग नहीं है, बल्कि क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। बाकी अगर बात करें बचपन, समुद्र और कंबल की, तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी पुल्लिंग है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो वायु क्या है, वायु आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, खाली जगह को आपको भरना है, आराम से पढ़िए सेंटेंस को। चुनाव क्षेत्र का समय समय पर डैश 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 किया जाता है। अब आपको सही वर्ड को पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि सही वर्ड इसमें क्या हो सकता है। अगर आपने संविधान पढ़ा है तो वहां पर भी आप आसानी से बता सकते हैं और यहां पर भी आप बता सकते हैं, तो जल्दी से बताइए क्या होगा सही उत्तर। इसका उत्तर है परिसीमन, परिसीमन। चुनाव क्षेत्र का क्या होता है, बार बार परिसीमन किया जाता है, जैसे मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है या राज्य में कोई चुनाव हो रहा है, तो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितने जनसंख्या को कितने क्षेत्र के अंतर्गत डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है, वो लोकसभा क्षेत्र होता है, वो विधानसभा क्षेत्र होता है, तो ऐसे डिसाइड करते हैं। तो वो डिसाइड जो होता है कि कितने क्षेत्र को, उसमें मान लीजिए इतनी बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र में है, और कल को मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, इस पार्ट को किसी और क्षेत्र में भेज देंगे। तो इस तरीके से परिसीमन किया जाता है, उसके नियम अलग हैं, उसके बारे में आपको आराम से पढ़ना होगा पॉलिटी में। तो यहां पर हम हिंदी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये जरूरी हमारे लिए नहीं है, जरूरी यह है कि परिसीमन यहां पर क्यों रखा जा रहा है, ठीक है। सीमन मतलब सीमा, ठीक है, और परि मतलब सीमा के बाहर की बात की जा रही है, मतलब कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाएंगे इनडायरेक्टली, ये समझिए आप, ठीक है। तो ये है चुनाव क्षेत्र का समय समय पर क्या करना, परिसीमन करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अब देखिए विपरीतार्थक यानी कि विपरीत, और अर्थक यानी विपरीत अर्थ वाला अपोजिट वर्ड आपको बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो बहिरंग का क्या होगा, बहिरंग का होगा अतरंग, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। बहिरंग का क्या होगा, बहिरंग का अतरंग होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
शाश्वत का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? आपको बताना है शाश्वत का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा। तो शाश्वत कहते ना ईश्वर खुद शाश्वत आ गया, ठीक है, शाश्वत, और उसका क्या हो जाएगा, नश्वर, ठीक है, नश्वर हो जाएगा। चलिए इसके अलावा यह भी ध्यान रखिएगा कि नश्वर और अनश्वर ये दोनों परस्पर विपरार्थक हैं, ठीक है, नश्वर का अनश्वर हो जाएगा या फिर शाश्वत होता है, तो ये अपोजिट है, याद रखिएगा। शाश्वत का क्या होगा, नश्वर, और अनश्वर का भी नश्वर होगा, यानी कि शाश्वर, शाश्वत और अनश्वर ये दोनों समान अर्थ वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? आशा से बहुत अधिक, आपको बताना है यहां पर, इसका उत्तर है आशातीत, ऑप्शन नंबर ए। आशातीत मतलब क्या होता है, आशा से बहुत अधिक, यानी कि जिसकी आशा की जाए वह प्रत्याशित होता है, ठीक है, जबकि जिसकी आशा ना की जाए उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। तो यह भी ध्यान में आपको रखना है, प्रत्याशित मतलब जिससे आशा की जाए, और जिससे आशा ना की जाए उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। तो आशातीत का मतलब क्या है, आशा से बहुत अधिक, और जिससे आशा की जाती है उसे क्या बोलते हैं, आशावान। अगला क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार के होते हैं, बताइए कमेंट करके जल्दी से, रस कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 9 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, रस 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि 8 रस स्टार्टिंग में बताए गए थे भरत मुनि के द्वारा, जो काव्य के आवश्यक तत्व है उसमें, तो उसमें रस कौन कौन से थे, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौंद रस, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स और भयानक। तो ये टोटल 8 भेद बताए गए थे। उसके बाद बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर एक और रस को माना, वो था शांत रस। तो शांत रस को बांध में जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो टोटल 8 और एक कितने हो गए, 9। इसका मतलब है टोटल 9 रस हैं, और इनको क्या बोला जाता है, नवरस, नवरस की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, कौन कौन से हैं फिर से सुन लीजिए, श्रृंगार, हास्य, रौंद, करुण, वीर, अद्भुत, विभस, भयानक और शांत, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 9 रस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कान फूकना का अर्थ क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कान फूकने का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा, कान फूकने का मतलब क्या होता है, चुगली करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विहंगम दृष्टि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है सम्यक दृष्टि। विहंगम दृष्टि का मतलब क्या होता है, सम्यक दृष्टि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देवदास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देवदास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो देवदास के लेखक कौन है, इसका उत्तर है शरत चंद्र चटर्जी। कौन है, शरत चंद्र चटर्जी, ठीक है, या फिर चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी, दोनों एक ही हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अग्निपथ किसकी रचना है? आपको बताना है अग्निपथ जो है वो किसकी रचना है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन। किसका है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा कि अगर हम अग्निपथ की बात कर रहे हैं तो आप माइंड में लाइएगा कि एक मूवी बनी हुई है, कौन सी बनी हुई है, उस मूवी का नाम भी है अग्निपथ, ठीक है। अब ये कौन सी वाली याद रखिएगा, जो प्रथम वाली बनी थी, दो अग्निपथ मूवी बनी हुई है, पहली वाली जिसमें अमिताभ बच्चन इसमें काम किए थे, ठीक है, वो मुख्य किरदार में थे अग्निपथ में। तो वो जो पहली वाली मूवी है अग्निपथ, वो इसी पर बनी हुई है, वो फिल्म किस रचना पर बनी हुई है, इसी अग्निपथ रचना पर बनी हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपको बताना है आग का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अच्छ। अच्छ क्या है, आग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर लोचन, चक्षु, दृष्टि, इसके अलावा नयन, नेत्र, उसके अलावा अंबक और भी है, अच्छी भी है, ये क्या है, ये सारे के सारे आपके आंख के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा दृग भी है, ठीक है, दृग, दृग भी क्या है, दृग भी आपका आंख का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, भीष्म सहानी को साहित्य अकादमी के द्वारा किस रचना, सॉरी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस रचना के लिए मिला था? यहाँ पर पूरा डिटेल में है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में लिखा हुआ साहित्य अकादमी, तो आपको बताना है किस रचना के लिए मिला था भीष्म सहानी को। तो देखिए 1975 में, 1975 में इनको मिला था, और एक उपन्यास था जिसका नाम है तमस, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तमस किसकी रचना है, तो भीष्म सहानी की, और ये क्या है, एक उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? आपको बताना है कितने पाकिस्तान के
एक रचना है, इसके लेखक कौन है? इसका उत्तर है कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाता है, कमलेश्वर इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आगन का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या होगा? आपको बताना है आगन का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अग्ना, ठीक है। क्या हो जाएगा? अग्ना, ये आपका पर्यायवाची है। अग्ना बोलते हैं, उसके अलावा अजीर बोलते हैं, ठीक है, बगर बोलते हैं, तो ये क्या है? आगन के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थालंकार की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि अर्थालंकार की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसका उत्तर है 45। कितनी होती है? टोटल 45 होती है। अब कौन कौन से हैं यहां पर आपको डिटेल में ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन ये है कि अर्थालंकार की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता कौन बतलाता है? यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है, पहले पार्ट में विशेषण और विशेष से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो दूसरे पार्ट में उसकी परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि विशेषण की विशेषता कौन बतलाता है? तो जो बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता विशेष्य बतलाता है। परिभाषा भी है कि जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे विशेष्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी पत्नी मर गई है उसे क्या कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है विदुर, ठीक है। विदुर, कहीं कहीं विदुर लिखा होता है बट वो गलत है, विदुर ही सही होता है, ठीक है। तो जिसकी पत्नी मर गई उसे क्या बोलते हैं? विदुर। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत भाषा में या संस्कृत वर्णमाला में अक्षरों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो यहां पर याद रख लीजिएगा 49 होती है। कैसे कैसे होती है? तो यहां पर पहले तो स्वर, फिर व्यंजन और स्वर आश्रित, जो स्वर पर आश्रित हो, ठीक है। तो कौन कौन से हैं बता दे रहा हूं, मतलब संख्या कितनी कितनी है। जैसे टोटल तो हो गए आपके 49 संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या, लेकिन इसमें 14 होते हैं स्वर, ठीक है। 14 क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। इसके अलावा 33 होते हैं आपके व्यंजन, ठीक है। उसके बाद जो है आपके 2 होते हैं स्वर पर आश्रित। तो 33 और 2 35 और ये 14 आपके कितने हो गए? 49, यानी कि 49। तो संस्कृत वर्णमाला में टोटल 49 अक्षर होते हैं। तो आज भी आपके 40 क्वेश्चन हो गए, इससे पहले वाले क्लास में 40 क्वेश्चन, आज भी 40 क्वेश्चन, तो टोटल कितने हो गए? 80 क्वेश्चन। इनको अटेम्प्ट करिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो पहले पार्ट को भी देख लीजिएगा। जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सर्च कर लीजिएगा सरकारी एग्जाम वाला। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से। यहां पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, तो एक बार विजिट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक फॉलो जरूर करें। इसके अलावा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज शेयर किया करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। आपके एक लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज शेयर किया करिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ऑन करने पर क्या होता है कि सारी सूचनाएं मिलती है, ठीक है। उससे क्या होता है, नोटिफिकेशन वीडियो आ रही है कि नहीं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाती है। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।